हम जो चाहते हैं कि हमारे जैन संत जो कि बिल्कुल अहिंसा के पुजारी हैं, हम जैन लोग लेकिन अहिंसा के पुजारी जरूर हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि हम कायर नहीं हैं, इसलिए हम अपने संतों के लिए तन मन धन हर तरीके से समर्पण है। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे जैन संत के ऊपर कोई भी आघात होगा तो हमारा पूरा जैन समाज एक साथ एक मिलकर एकजुट है, इसलिए हम कहते हैं आवाज दो, आवाज दो। गौरव जैन, संगठन मंत्री, आगरा विकास, आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा। आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं, क्या ज्ञापन देने आए हैं? देखिए, जैन धर्म के दिगंबर साधु के ऊपर एक महा उपसर्ग हुआ है। कर्नाटक में कुछ दुर्दांत अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी है। कर्नाटक का आगाज आज यहाँ उत्तर भारत में सड़कों पर सैलाब के रूप में दिखाई दे रहा है। जैन समाज अहिंसक है लेकिन कायर नहीं है। अगर धर्म के अस्तित्व पर अगर कोई प्रश्न आएगा तो एक एक बच्चा बच्चा हथियार बन के, परमाणु बम बन के अपराधियों के ऊपर टूटेगा। ये सब आज हमने यहाँ पर इस प्रकार का एक परिचायक दिया है। पूर्व पार्षद श्रीमती सुषमा जैन, आवास विकास पश्चिम से। क्या समस्या आज यहाँ लेकर आए हैं, क्या मांग है? आज हमारी डीएम को हमने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है कि हमारे जैन मुनियों की हत्या पे रोक लगाई जाए और जैन धर्म की संत जो जैन धर्म की संतों की रक्षा करी जाए और कभी भी भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। मैं आगरा से हूँ, जो मुनि हत्या हुई है कर्नाटक में, हमारी अपील है आगरा से सभी समाजों से, सभी सरकारी कर्म से निवेदन है हमारा कि जो मुनि के साथ में जो मुसलमान ने जो हत्या की है वो दोबारा भविष्य में ना हो और जिसने जो हत्या की है उसको ये सजा मिले, ये हमारी अपील है।